किस वीडियो में हम बात करेंगे बेस रिज्यूमे बनाने के लिए। मतलब कई अभी क्या हो गया कि जब से कुछ एआई ज़्यादा फेमस हो गया है, एआई ज़्यादा मिल गया है, लोगों की रिचेबिलिटी बढ़ गई है एआई के लिए, तो अभी क्या करते हैं कि अपना पूरा का पूरा बायोडाटा बोल लो, आप रिज्यूमे बोल लो, आप सीवी बोल लो, पूरा का पूरा डेटा वो एक जाके वहाँ से एआई से बनवा लेते हैं। एआई में गए, वहाँ पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया और वहाँ से उठा के डाल दिया। और एक बंदा होता है, एक नॉर्मल सीवी बनाता है, खुद से एमएस वर्ड पे नॉर्मल बनाया, उसने एक A4 में प्रिंट आउट दिया और वो इंटरव्यू देने चला गया। और एक वो इंटरव्यू देने चला गया जिसने अपना बेस रिज्यूमे एआई से बनवाया, जिसमें उसने फोटो लगाया है, कलर किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आप समझ रहे हो ना, एक एडवांस लेवल का रिज्यूम है, एक लो लेवल का रिज्यूम है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि देखो दोस्त, आपके पास अगर स्किल्स नहीं है, आप मार्केटिंग में जा रहे हो, आप सेल्स में जा रहे हो, आप आईटी में जा रहे हो, आप एचआर में जा रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब सर्च करने जा रहे हो और आपके पास अगर स्किल नहीं है, तो आप कितना भी एडवांस रिज्यूमे बना लो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ पे। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आपका रिज्यूमे जो होता है ना, वो आपके लिए कंपनी में ये दर्शाता है कि हाँ, ये बंदा आया है, इसका इंटरव्यू, और क्या क्या स्किल्स उस रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में, KRA में, या क्या स्किल्स आपने मेंशन करी हैं। इंटरव्यूअर सिर्फ वो चीज़ फोकस करता है, ना कि वो ये देखता है कि आपका रिज्यूमे कितना बेस्ट बना हुआ है या कितना खराब बना हुआ है। बस कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो वर्ड्स हैं प्रॉपर अलाइन होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए, आपका ईमेल अच्छे से वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और स्किल्स को आप पॉइंट वाइज वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप चाहो तो एमएस वर्ड पे बना लो, आप पावर पॉइंट पे बना लो, जरूरी नहीं है कि नहीं आप एआई बेस्ड जाओ। या आप कई लोग तो ये करते हैं कि नहीं, वहाँ पे गए खरीद के या किसी को 50-100 रुपए दे के वहाँ पे रिज्यूमे बनवाते हैं कि नहीं मेरा बायोडाटा बना दो। ऐसा बायोडाटा में कुछ होता नहीं है, आप नॉर्मल भी बना सकते हो और एक एडवांस लेवल का भी बना सकते हो। अगर हाँ, आपके पास अगर ऑप्शन है कि फ्री में बन जा रहा है, तो ठीक है, आप कर लो। लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बाकी मेरा एक रिज्यूमे, बेस्ट रिज्यूमे नीचे पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जस्ट मैंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया मेंशन करी है कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट या आईटी प्रोफाइल या टेक्निकल सपोर्ट जॉब के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं या की पॉइंट्स जो होते हैं जिससे आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हो 100%, वो चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं। बाकी आप चाहो तो रिज्यूमे अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, वो बेस्ट रिज्यूमे है, आपको 100% शॉर्ट लिस्ट कराएगा अगर आप किस कहीं भी अप्लाई करते हो किसी प्रोफाइल पे रिलेटेड टू टेक्निकल। तो बस यही था आज की वीडियो में, बाकी इतना रिज्यूमे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।